फ्रेंड्स, आज हम ग्वावा डाइजेस्टिव बनाते हैं, यानी अमरूद का पाचक गोली। ये अमरूद वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है और ये हमेशा हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही तंदुरुस्त करता है, बहुत ही सही रखता है। तो अमरूद तो वैसे ही हमको अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज करना चाहिए, खाना चाहिए। साथ में इसके हमने एक बड़ा सा बीटरूट लिया है। ये जो है हमारे जो डाइजेस्टिव बॉल हम बनाएंगे, जो डाइजेस्टिव गोली बनाएंगे, उसको एक बहुत ही अच्छा सा कलर देगा, साथ में हेल्दी तो होता ही है। तो आइए हम अमरूद का डाइजेस्टिव बनाते हैं, ग्वावा डाइजेस्टिव जिसे हम कहेंगे। तो चलिए, इसके लिए हमने अमरूद को ले लिया है। अमरूद आप थोड़ा सा जो ओवर राइप होने लगता है या थोड़ा सा जो ज्यादा पीला हो जाता है वो अमरूद आप लें, ताकि ये आसानी से गल भी जाएगा, पक भी जाएगा और इसको पीसने में और बनाने में बहुत आसानी होगी। तो हमने वैसे ही अमरूद ले लिए हैं, थोड़े से गले हुए हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही अमरूद लें। और अब इसको हम यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई के ऊपर हमने ये जाली रखी है। अब आप देख सकते हैं इसके नीचे हमने एक प्लेट लगा रखी है, उसके ऊपर मैं ये जाली रख दूंगी। अब ये जाली रख दी हमने और अब हम इसमें ये अमरूद ट्रांसफर कर देंगे। नीचे हमने पानी डाल रखा है पहले से ही, क्योंकि हमें इसको स्टीम पे पकाना है। और हमने बीटरूट भी डाल दिया। बीटरूट एक बहुत ही अच्छा सा कलर देगा और बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आएगा, साथ में ये फायदेमंद तो होता ही है और एक इसको मीठा सा टेस्ट भी देगा। अब हमने गैस को तेज कर लिया है, सिम पे रखा था, अब हमने इसको तेज कर लिया है। अब इसके स्टीम से हमको इसको पकाना है, तो 5-7 मिनट हम इसको पका लेंगे। तब तक हम अपने अन्य चीजों की तैयारी कर लेते हैं, फिर वो हम बताते हैं। तो लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं, ये अब हम देख लेते हैं। आप देखिए, बिल्कुल ये अमरूद हमारे पक चुके हैं और स्टीम हो चुके हैं अच्छे से, और ये चुकंदर में भी अच्छे से स्टीम हो चुका है और ये पक चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें मिक्सी में इसको पीसना है, तो बिल्कुल गर्म हम इसको नहीं पीस पाएंगे, इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपनी चीजें तैयार कर लेते हैं। इधर अब आप देख सकते हैं कि इधर हमने कुछ सामान रखा हुआ है। इसमें मैंने जो हमको इसमें डालना है, मिठास डालनी है, तो मैं इसमें चीनी की जगह गुड़ डालूंगी। हमने कुछ मसाले भी ले रखे हैं। अब ये मसाले हम देखते हैं। यहाँ पर हमने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ले रखा है, ये हमने यहाँ पर आधा चम्मच भुना हुआ जीरा ले रखा है, आधा चम्मच हमारा सौंठ है, आधा चम्मच काला नमक है, आधा चम्मच यहाँ पर हमने चाट मसाला ले रखा है और आधा चम्मच ये अमचूर है। साथ में हमने आधा चम्मच ही सफेद सादा नमक ले रखा है और यहाँ पर 1/4 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ले रखा है। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मसाले हमने ले रखे हैं, उसमें उसको एक चटपटा सा बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए। इसमें थोड़ा सा खट्टा भी है, मीठा भी है और नमक भी रहेगा, तो सारा फ्लेवर मिलकर के बहुत ही मजा देने वाला है। साथ में यहाँ पर हमने थोड़ा सा शुगर पाउडर ले रखा है। आप अगर शुगर को बिल्कुल स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नारियल ले लीजिएगा, डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिएगा, उसको हम बाद में रोल करने के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ले रखा है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं यूज करना चाहते हैं चीनी को, तो आप इसको बायकॉट करके यहाँ पर नारियल यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये बिल्कुल से ठंडा हो चुका है, तो अब हमको इसे पीसना है। तो अब हम इसको मिक्सी जार में डाल लेते हैं। तो अब हमने इसको मिक्सी जार में डाल लिया है। अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे बस। हमको ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर इसको हमने बहुत पतला कर दिया तो इसको सुखाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको पीस लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया इसका, और ये बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट बना के हमको तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसको पीस लिया है और अब हमको इसको छन्नी से छानना है। तो मैं वही कढ़ाई ले ले रही हूँ जिसमें मुझे बनाना है, क्योंकि बार बार बर्तन जूठा क्यों करें। तो अब हम इसी में इसको निकाल लेते हैं और इसको छान लेते हैं पहले अच्छे से। अभी मिक्सी में है, उसको हम बाद में निकाल लेंगे, पहले इतना निकाल लें। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ खड़ा भी है, तो अभी हम इसको फिर से एक बार पीस लेंगे। ये सब चीजें जो नहीं पीस पाई हैं ठीक से, तो इनको हम फिर से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बीटरूट रह गया पीसने को और इसके बीज बाहर निकल आए हैं। तो अभी हम इसको एक बार फिर से चला लेंगे, लेकिन पहले हम जो मिक्सी में हमारा मटेरियल थोड़ा रह गया है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं।
हमने ये सारे पल्प अच्छे से निकाल लिए। अब इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको हम एक बार फिर से पीस लेंगे, क्योंकि इसमें बीट रूट है। केवल बीज होता तो हम नहीं पीसते, लेकिन बीट रूट है तो हम पीस के निकाल लेंगे इसको। तो अब ये जो मिक्सी में हमने दोबारा लिया था उसको भी हमने पीस लिया है, और इसको भी अब हम छान लेते हैं। छान लेने के बाद ये जो बीज है इनको हमें हटा देना है, इनको नहीं डालना है। अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बीज निकल चुका है, बीज सेपरेट हो गया है और पल्प अलग हो चुका है। हमको सिर्फ पल्प को यूज करना है। तो अब ये हमारा पल्प पूरा निकल चुका है, तो अब हम इसको गैस पे चढ़ा लेते हैं। गैस को ऑन कर लेंगे और अब हमको इसको पकाना है। पकाते हुए इसको हमें गाढ़ा करना है, तो हम इसको पकने देंगे अभी। और एक दो मिनट जब ये पक जाएगा तो अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ हमने जो क्वांटिटी ली है अपने अमरूद के अकॉर्डिंग ली है, क्योंकि अमरूद थोड़ा सा मीठा है, तो हमने गुड़ यहाँ पर लगभग 80 ग्राम लिया है। अगर आपको लगता है कि ये हमारा 250 ग्राम अमरूद था जिसमें एक हमने बीटरूट भी डाला है, अगर आपको लगता है कि और गुड़ की जरूरत है या आपका जो अमरूद है वो थोड़ा सा खट्टा सा है, तो आप गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और एक बार आप चख जरूर लीजिएगा, हम भी चखेंगे सब कुछ डाल के। कुछ अगर ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है तो वहां पर उसको ऐड कर सकते हैं। अभी एक दो मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया इसका। हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज किया है, ना ही मैंने फूड कलर यूज किया है। आप देख सकते हैं केवल बीट रूट ने ही इसको एक खूबसूरत सा कलर दे दिया है। तो हमें बस एक बीट रूट डाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर हम ये गुड़ भी डाल दे रहे हैं। अब गुड़ डाल के हमको इसको बहुत ही गाढ़ा करना है, तो हम इसको धीमे आंच पे पकाते जाएंगे। बहुत तेज नहीं करेंगे, मीडियम टू लो रखेंगे आंच को। अब देख सकते हैं ये गुड़ हमारा पिघल चुका है, लेकिन ये पिघलने के बाद आप ये बीच में उड़ता बहुत तेज है, तो थोड़ा सा बचा करके थोड़ी सी दूरी बना करके हमको चलाते जाना है। और जल्दी जल्दी चलाएंगे तो कम उड़ेगा, और अगर लगता है कि लगातार उड़ रहा है तो आप इसको ढक करके भी पका सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको चलाते रहना होगा, नहीं तो फिर ये नीचे से जलने लगेगा। अब आप देख सकते हैं इसको हम लगातार चलाते हुए पका रहे हैं, तो अब ये काफी थिक हो चुका है। अभी हमें इसे और भी थिक करना है, लेकिन अब इस जगह पर हम क्या करेंगे कि जो हमने मसाले ले रखे हैं ये सारे मसाले ऐड कर देंगे हम। इन मसालों को हमें डाल करके और अब इसको हमें चलाते जाना है, और इसको हमें थोड़ा थिक करना है, और थिक करना होगा क्योंकि हमको इसकी गोली बनानी है, इसकी गोलियां बनानी है, तो थोड़ा थिक होगा तभी ये अच्छे से गोलियां बन पाएंगी इसकी। अभी हमको पकाते हुए लगभग 4-4.5 मिनट हुए हैं और ये काफी हद तक थिक होने लगा है, तो अभी एक दो मिनट और पका लेते हैं। अगर इसको नॉन स्टिकिंग में बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नॉन स्टिकिंग में ये थोड़ा सा आसान रहेगा बनाना, अदरवाइज ये चिपकने लगेगा, क्योंकि हमने इसमें घी बिल्कुल नहीं डाला है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इसमें घी डालूं, तो इसलिए हम नॉन स्टिकिंग में बनाएं, ज्यादा बेहतर होगा ताकि ये चिपके नहीं। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस काफी हद तक थिक होने लगा है। इस जगह पर आप एक बार इसको टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये समझ में आ जाए कि जो इसमें आपने नमक और काली मिर्च या मिर्च और भुना जीरा वगैरह डाला है, गुड़ डाला है, वो सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थिक हो चुका है, हमें जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही हो गया है। तो अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं ये नॉन स्टिकिंग है, तब भी हल्का सा नीचे पकड़ रहा था। अगर आप नॉन स्टिकिंग नहीं यूज करेंगे तो ये पूरी तरह से पकड़ लेगा, और हमने बिल्कुल भी घी इसमें यूज नहीं किया है। अभी कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी होगी, फिर सारा मटेरियल अपने आप छोड़ देगा, तब हम इसको सारा निकाल लेंगे जो इसमें लगा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा रख देते हैं, कढ़ाई ठंडी हो जाएगी तो अपने आप ही ये फिर हम इसको निकाल लेंगे। हम वेस्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि हम हाथ में इसको ले सकें। तो अभी हमको इसको ठंडा होने देना है। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और काफी थिक हो चुका है। एक बात हम यहाँ बताना चाहेंगे, ये हमारा टिप्स है,
अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल थोड़ा सा पतला है, ये इसके गोले नहीं बन पा रहे हैं या चिपक रहा हाथों में, तो आप जब पका रहे हैं तो उस समय आप एक चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है थोड़ा सा पानी में घोल के डाल करके अगर वो भी साथ में पका लें तो ये बहुत अच्छे तरीके से गोला बनने लगेगा। तो ये हमारा बिल्कुल थिक हो चुका है और अब हम इसके गोले बनाने के पहले हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ये स्टिकी होंगे और हाथों में चिपकेंगे, तो हम थोड़ा सा हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसके गोले बना लेते हैं। गोले आप अपने इच्छानुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं और गोले बनाने आप देख सकते हैं गोला बिल्कुल अच्छे से बन गया है। अब हम इसको पाउडर शुगर में हम मिला दे रहे हैं। आप पाउडर शुगर में नहीं डालना चाहते हैं तो मैंने पहले ही कहा है कि आप यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल कोकोनट ले सकते हैं और इस तरीके से आप गोले बना करके रख लें। तो हम बिल्कुल ऐसे ही गोले सारे बना लेंगे। हाथों को ग्रीस करना जरूरी है, अदरवाइज ये हाथों में चिपकेंगे। तो ऐसे ही सारे गोले बना लेंगे और हाथ में जब चिपकने लगे तो हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे हाथ को और फिर बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं गुआवा डाइजेस्टिव बिल्कुल तैयार है, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार वाला। तो बिल्कुल ऐसे ही आप बनाइए, बहुत टेस्टी बनने वाला है और बिना किसी प्रॉब्लम के बनने वाला है। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपको मटेरियल गीला लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च घोल करके डाल सकते हैं पका करके, अदरवाइज थोड़ा सा आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया गोला बनने वाला है, ये बहुत बढ़िया डाइजेस्टिव बनने वाला है। एंजॉय करिए। आपके घर में जो भी अमरूद अगर ओवर राइप हो रहे हैं तो उनका इससे अच्छा यूज़ बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप डाइजेस्टिव बनाएं, खाएं और घर वालों को भी खिलाएं।